नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण किस्से लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण और जटिल कहानी लेकर आए हैं, हैदराबाद का भारत में विलय। इस कहानी में छिपे हैं भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण पहलू जो हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में जो हमें आज भी शिक्षित करती है। हैदराबाद रियासत भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राजघरानों में से एक। इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के क्षेत्र से भी बड़ा था और इसकी आबादी 1,60,00,000 यूरोप के कई देशों की आबादी से भी अधिक थी। आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब हैदराबाद को एक विशेष स्थिति दी गई। इसे भारत में विलय करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मिला, जो इसके विशेष दर्जे को दर्शाता था। भारत के गृह सचिव HVR आयंगर ने उस समय कहा था, सरदार पटेल का मानना था कि भारत के दिल में एक ऐसा क्षेत्र होना जिसकी निष्ठा देश की सीमाओं के बाहर हो, यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था। सरदार पटेल का मानना था कि हैदराबाद का भारत में विलय होना आवश्यक है। पटेल की यह सोच थी कि हैदराबाद, जिस पर निजाम का शासन था, भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसके विपरीत पंडित नेहरू और माउंटबेटन का दृष्टिकोण कुछ अलग था। नेहरू ने पटेल को बार बार याद दिलाया कि हैदराबाद में एक बड़ी मुस्लिम आबादी है और निजाम से पिंड छुड़ाने के बाद जो सामाजिक असर हो सकता है, उसे संभालना भारत के लिए कठिन हो सकता है। माउंटबेटन का यह विश्वास था कि वह नेहरू की मदद से निजाम को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन पटेल ने इसका विरोध किया। पटेल ने कहा, आपका मुकाबला एक लोमड़ी से है, मुझे निजाम पर कतई विश्वास नहीं, मेरा मानना है कि आपको निजाम से धोखा ही मिलेगा। पटेल की दृष्टि में उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। नेहरू प्रारंभ में हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ थे। पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी ने लिखा है कि नेहरू का मानना था कि हैदराबाद में सेना भेजने से कश्मीर में भारतीय सैनिक ऑपरेशन को नुकसान पहुंचेगा। एजी नूरानी अपनी किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में लिखते हैं, हैदराबाद के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नेहरू और पटेल दोनों मौजूद थे। नेहरू सैद्धांतिक रूप से सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वह इसे अंतिम विकल्प के रूप में देखना चाहते थे। वहीं पटेल के लिए सैनिक कार्रवाई पहला विकल्प था। बातचीत के लिए उनके पास धैर्य नहीं था। इस बैठक का एक और विवरण पटेल के करीबी और उस समय के रिफॉर्म्स कमिश्नर VP मेनन ने HV हॉडसन को 1964 में दिए गए इंटरव्यू में साझा किया। मेनन के मुताबिक, नेहरू ने बैठक की शुरुआत में ही मुझ पर हमला बोला, असल में वह मेरे बहाने सरदार पटेल को निशाना बना रहे थे। पटेल थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन जब नेहरू ज्यादा कटु हो गए तो वह बैठक से बाहर चले गए। इस पर मेनन और राजा जी ने सरदार पटेल को मनाने की कोशिश की। जब सरदार ने बैठक में अपनी अनुपस्थिति के कारण गुस्से में आकर कहा, नेहरू अपने आप को समझते क्या है, आजादी की लड़ाई दूसरे लोगों ने भी लड़ी है, तो यह स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। सरदार पटेल का इरादा था कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर नेहरू को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन राजा जी ने पटेल को डिफेंस कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मना लिया। इस बैठक में नेहरू शांत रहे और हैदराबाद पर हमला करने की योजना को मंजूरी मिल गई। निजाम के करीबी सहयोगी सैयद कासिम रजवी का राजनीतिक दल था मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उन्होंने जूनागढ़ विवाद के बाद सरदार पटेल की चुटकी लेते हुए कहा था, सरदार से छोटा जूनागढ़ तो संभल नहीं रहा, वह हैदराबाद के बारे में इतना गरज क्यों रहे हैं। जब जूनागढ़ ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो सरदार पटेल ने रजवी को जवाब देते हुए कहा था, अगर हैदराबाद ने दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ी तो उसका भी वही हश्र होगा जो जूनागढ़ का हुआ है। 17 अगस्त 1947 को भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को पता चला कि निजाम और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गुप्त सैन्य समझौते की बात चल रही है। इसके अलावा निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का ऋण देने और कराची में एक व्यापार एजेंट नियुक्त करने की घोषणा की।
यह सब कुछ हैदराबाद के पाकिस्तान के प्रति झुकाव को दर्शाता था। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया, जो निजाम का सबसे बड़ा समर्थक था। 22 मई 1948 को जब रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में सफर कर रहे हिंदुओं पर हमला बोला, तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी कि वह निजाम के प्रति नर्म रुख अपना रही है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना मेजर जनरल जेएन चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में घुसी। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 108 घंटों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की भी मौत हुई और भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए। ये संख्या उस समय की स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। इस बीच हैदराबाद में भारत सरकार के एजेंट जनरल के एम मुंशी ने पटेल को एक गुप्त टेलीग्राम भेजा, जिसमें कहा गया कि निजाम ने अपने दूत को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण की पेशकश की है। मुंशी ने रेडियो पर इस पेशकश का ऐलान कर दिया। सरदार पटेल ने मुंशी की इस बात को पसंद नहीं किया और आदेश दिया कि मुंशी से संपर्क कर उन्हें यह संदेश देने से रोका जाए। हालांकि मुंशी ने अपनी बात रेडियो पर प्रसारित कर दी थी। 18 सितंबर 1948 को मुंशी ने सरदार पटेल को फोन किया और पटेल ने उन्हें फोन पर ही तगड़ी डांट पिलाई। फरवरी 1949 में जब पटेल का विमान हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरा तो निजाम वहां मौजूद थे। सरदार पटेल ने निजाम के अभिवादन का मुस्कुराकर जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कहा, सो हिज एग्जॉस्टेड हाइनेस इज हियर। यह कहानी दिखाती है कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ और इस प्रक्रिया में कितनी जटिलताएं और संघर्ष थे। सरदार पटेल की दृढ़ता और नेहरू के शांत स्वभाव ने मिलकर भारत के इस महत्वपूर्ण हिस्से को भारतीय संघ में शामिल किया। हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि यह प्रक्रिया सही थी या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे, जहां हम आपके लिए और भी दिलचस्प इतिहास की कहानियां लाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।